हेलो एवरीवन गुड कर रहे थे दोस्तों जी हां यूपीएससी सीएससी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम के लिए स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म भरना फॉर्म अप्लाई कब तक करना है कैसे करना है किन 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 बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी यूपीएससी के एग्जाम से लेकर के और काफी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप तैयारी कर सकते हैं अपने के के एग्जाम के स्कोर को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं और इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या खास है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अगर आप पहली बार तो इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए तो बात ऐसी है दोस्तों कि प्रिलियम्स 2021 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसका जिसकी डेट है 27 जून आप सब लोग जानते हैं और काफी टाइम से फेबर से वेट हो रही थी इसके लिए कि हम कब एग्जाम ओपन होगा कब एग्जाम जो है हम फिल कर पाएंगे उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे तो फाइनली यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है यानी आज फोर्थ मार्च को इनका नोटिफिकेशन आया है तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को इस बार जो एग्जाम जो नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का उसके हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों काफी ज़्यादा कम हो गई है। ये है ऑफ वैकेंसीज 2015 के बाद से अगर आप देखोगे लगातार ऑलमोस्ट कम होती जा रही है बस 2019 में एक बार थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी पर पिछले साल भी ये काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी सेवन के आसपास थी इस बार तो बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ 712 सिर्फ 712 वैकेंसीज सिर्फ सात सौ बारह इमेजिन कर सकते हैं कि लेवल क्या होने वाला है कंपटीशन का आखिरी डेट अप्लाई करने की है 24 मार्च सब लोग नोट डाउन करें शाम को 6 बजे तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट है तो ट्वेंटी मार्च शाम को छह बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आखिरी बिल्कुल लास्ट डेट तक का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा ना तो लास्ट के दिनों में आ, आपकी वेबसाइट ओपन होती है कभी कभी आपको बहुत प्रॉब्लम आती है और सर्वर डाउन हो जाता है और टाइम कई बार आपसे मिस हो जाता है तो लास्ट तक की वेट मत करो दोस्तों जितना जल्दी हो सके फिल द फॉर्म एट दर्लीएस्ट ठीक है अर्ली फॉर्म फिल कीजिए Uh, बिल्कुल भी लास्ट तक की वेट मत करना वैसे आपको बता दूं एज इन्फॉर्मेशन की ट्वेंटी फोर्थ मार्च लास्ट डेट है तो बीस दिन आपके पास है लेकिन जितना जल्दी भरेंगे उतना बेटर है अब कैसे भरना है इसके लिए क्या क्या किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है कौन कौन एलिजिबल है उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा पर फिलहाल इस नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए नोटिफिकेशन पे ध्यान आपको इसलिए देना है क्योंकि तो यहाँ यूपीएससी की नोटिफिकेशन में लिखा है साफ तौर पे कि 27 तारीख को संडे को हमारा एग्जाम होगा प्रिलियम्स का और इस बार का 2021 का जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है आपका मेंस का वो मेंस का एग्जाम यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट ब्लर है तो ये प्रिलियम्स की डेट है 27 जून और मेंस कब से होगा मेंस आपका सेवनटीन सितंबर 2021 से होगा ठीक है ना ये आपका 27 जून है यहाँ पे और ये सेवनटीन सेप्टेंबर है तो मेन्स और प्रीलियम्स का डेट मैंने आपको बताइए दोस्तों अब इस फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको जरा बता देता हूं तो ये है नोटिफिकेशन यूपीएससी का जिसके जो आप अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे मैं एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगा ये जो लिंक है ये वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट आई एन इसके ऊपर जाकर के आपको फिल करना है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जरूर चेक कीजिए डायरेक्टली वहीं से जाके आप फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है इस फॉर्म को भरते हुए वैसे तो इंस्ट्रक्शन बहुत सारी है पूरी पढ़ाने बैठा तो वन सिक्सटी वन पेजेस का नोटिफिकेशन है जो खास बातें हैं उनका आपको ख्याल रखना है वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा जैसे जब आप एग्जाम भरेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपका जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से नंबर ऑफ सर्विसेज हैं तो आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आई एस बोलते हैं इंडियन फॉरन सर्विसेज इंडियन पुलिस सर्विसेज रेवेन्यू सर्विसेज ये ये बारे में डिटेल आपको बताई गई है ये जरूर पढ़िएगा आपको काफी कुछ नॉलेज होगा यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग इसके अलावा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम जब आप फॉर्म भरेंगे फॉर्म में आपसे पूछेगा कि प्रिलियम्स का सेंटर आपको कहां चाहिए मेन्स का सेंटर आपको कहाँ चाहिए तो अपनी प्रेफरेंस आप यहाँ पे जरूर बताइएगा ये नंबर ऑफ सेंटर हैं टोटल ये सेंटर्स हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स का इनमें से कोई भी जो आपको फिजिबल लगता है आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं ठीक इसी तरह से अगर आप देखोगे तो मेंस के लिए भी आपसे सेंटर पूछा जाएगा मेंस के बारे में भी बताइएगा कि सर मेन्स जो है हम ये मेन्स में सेंटर कंपेरेटिवली कम होते हैं प्रिलियम्स में ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रिलियम्स में लाखों बच्चे एग्जाम दस लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन प्रिलियम्स में मेंस में जो है बच्चे थोड़ा वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम उनका स्ट्रेंथ जो है कम होती है एलिजिबिलिटी के ऊपर बच्चों का डाउट रहता है तो मैं आपको वन एंड ऑल बता दूं दोस्तों आई एस आई एफ एस आई पी एस सर्विसेज के लिए किसी भी कैंडिडेट का पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है यहाँ तक कि नेपाल के सिटीजन भूटान के सिटीजन भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और तिब्बतन रिफ्यूजी जो है जो इंडिया में रह रहे हैं बिफोर फर्स्ट जनवरी 1962 से पहले जो हिंदुस्तान में आए थे वो तिब्बतन रिफ्यूजी भी एग्जाम दे सकते हैं अगर वो इंडिया में पॉमिनेंट सेटल होते हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं जी हाँ उसके अलावा कोई भी ऐसा इंडियन ओरिजिन का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको पी हम बोलते हैं तो ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ बर्मा श्रीलंका ईस्ट अफ्रीका की कोई भी कंट्री केनिया युगांडा, तंजानिया जांबिया मलावी जायरे इथोपिया वियतनाम और जो इंडिया में हुआ है माइग्रेट ठीक है और उसका इंटेंशन है इंडिया में परमानेंटली सेटल होने का तो दोस्तों ये ये भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं हालांकि उसके लिए उनको एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है इशू करवाना पड़ता है एज लिमिट के ऊपर कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा यहां पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं अगर ये इनके थोड़ा सा जूम हो सके हाँ, अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो एज लिमिट का आपको एक बात का मैं बहुत खास ध्यान रखना है कि इसमें आपकी एज जो है ना तो 21 इयर्स से कम ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं जो अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं यू आर होती है अनरिजर्व या जर्नर कैटेगरी के लिए ना तो 21 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और ना ही आपकी उम्र जो है बत्तीस साल से ज्यादा होनी चाहिए ये डेट कहां से नोटिस की जाएगी फर्स्ट ऑगस्ट टू के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी तो समझ लीजिएगा कि अगर आप अगर आप जो है सेकेंड uh, अगस्त 1989 से पहले अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे और अगर आप फर्स्ट अगस्त 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे ठीक है ध्यान रखिएगा अगर आपका जन्म सेकेंड अगस्त 1989 से पहले है तो भी एलिजिबल नहीं है इस बार के एग्जाम के लिए और फर्स्ट अगस्त 2000 के बाद हुआ है तो भी नहीं एलिजिबल होगे ये जनरल कैटेगरी के लिए जिनको टोटल 32 इयर्स की लिमिट रखी गई है। अगर आप या और अगर ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप तीन साल तक का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है तो आपको इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों और फिर अगर डिफेंस पर्सनल है तो भी तीन साल का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन को भी पांच साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है ये सभी का सभी आपको अपर एज लिमिट में है तो आप यहां से अपनी एज जरूर कैलकुलेट कीजिएगा आपको उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा नंबर ऑफ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर नंबर ऑफ कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है और अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो समझ लीजिए आपका एक, जो आपका अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा यूपीएससी का एक रूल है यूपीएससी के हिसाब से अगर आप एग्जाम देने गए हैं वहां पे आपने जाके रोल नंबर लिखा है तो ही आपका अटेम्प्ट काउंट होगा जो जर्नल कैटेगरी है जो नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो है वो आपके मैक्सिमम लिमिट है है कैटेगरी कैटेगरी जनरल के लिए टोटल नंबर और यहीं पे रिलैक्सेशन दी गई है जो एस सी एस टी है उनके लिए चांसेस अनलिमिटेड है उनकी बस एज मैटर करती है बाकी चांसेस अनलिमिटेड है ओबीसी कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम नंबर इज नाइन और जो भी पर्सन विध डिसेबिलिटी है उनके लिए भी नाइन चांसेस है और उसमें भी अगर आप एस सी कैटेगरी में है तो फिर आपको अनलिमिटेड चांस पे दिए जाते हैं ये एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना आपको थोड़ा सा इसमें इसका आपको रहना चाहिए साथ ही साथ में लास्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं फीस के ऊपर कंफ्यूजन होता है भाई फीस ऐसा है अगर फीमेल कोई भी फीमेल कोई भी महिला लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है एस सी के लिए बिल्कुल फ्री है एग्जाम की कोई फीस नहीं लगती पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी बिल्कुल फ्री इनकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी इनके अलावा जो बाकी जो भी मेल मेंबर है ठीक है जो भी लड़के हैं मेल मेंबर हैं और एस सी एस टी और उसके अलावा पी डब्लू बी डी के अलावा जो है उनको हंड्रेड रुपीज यहाँ पे पे करने होते तो बड़ा सिर्फ सौ रुपए का फॉर्म है जो इसीलिए लोग काफी ज्यादा इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि ज्यादा महंगा एग्जाम नहीं है अब आखिरी एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि सर आप आखिरी के हंड्रेड डेज बचे हैं लास्ट हंड्रेड डेज है आखिरी सौ दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं वो मैं आपको जरा बताता हूं ध्यान से तो सुनिएगा इस मेरी इस बात को तो अगर आप अपने स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लास्ट प्रिलियम्स के रिवीजन के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मेरी लेटेस्ट बुक है उसका सेकंड एडिशन आ चुका है जी हां ये मेरी बुक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वन थाउजेंड प्लस मोस्ट प्रोबेबल जर्नल स्टडीज एमसीक्यूज जो आपके यूपीएससी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये मेरी लेटेस्ट बुक का सेकेंड एडिशन है दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ये बुक एमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है बहुत ही सस्ती ये बुक है हार्डली टू फिफ्टी रुपीस के आसपास की बुक है जिसमें वन थाउजेंड से ज्यादा लगभग बारह सौ के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज मैंने इन क्वेश्चन को दिया है तो जरूर देखिएगा इन क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज आप जरूर फॉलो कीजिए साथ ही साथ में फाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने दिए हैं आपको यानी दो से 2020 के सभी प्रिलियम्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको यहां पे दस मैंने माइंड मैप्स भी दिए हैं जिनको यूज कर सकते हैं क्विक के के लिए ये ये जो बुक है मेरी ये आपको हेल्प करेगी लास्ट हंड्रेड डेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपका स्कोर बूस्ट अप करेगी 140 से ज्यादा स्कोर आप कर पाएंगे इस बुक को पढ़ने से तो ये बुक जरूर एक बार चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जहाँ वहाँ जाकर आप जरूर इसको कीजिए sure और साथ ही साथ में अगर आप अन अकेडमी पे भी मेरे कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी के ऊपर करंट अफेयर जोग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री के मेरे कोर्सेज हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों नए बैचेस एग्जाम इस, इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अन अकेडमी आपके लिए नए बैचेस शुरू करेगा ये प्रीलियम्स के लिए खास प्रीलियम्स के लिए बैचेस हमने बनाए हैं लास्ट हंड्रेड डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए वो आपको बताया जाएगा पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा प्रीलियम फोकस बैच होगा जिसमें और ये टेंथ मार्च से शुरू होगा और इसके अंदर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे अन अकेडमी प्लस को तो सब्सक्राइब करते टाइम आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड है आशीष मलिक अगर आप आशीष मलिक रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा सीधा सीधा टेन परसेंट का डिस्काउंट इसे आप जरूर इस्तेमाल कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में भी बताया गया है और सब लोग तैयार हो जाए अन आपके लिए एक बार फिर से सेवेंथ ऑफ मार्च को फिर से लेकर के आया है अन अकेडमी जो एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए वो भी होगा सुबह सुबह ग्यारह बजे आपका टेस्ट होगा और फ्री टेस्ट है बिल्कुल कोई फीस नहीं है इसकी इनफैक्ट आपको जीतने के लिए यहाँ बहुत कुछ है अगर आप जीतेंगे तो एक करोड़ रुपए से ज्यादा के आपको जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी टोटल पूल है आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स बहुत सारे एक्साइटिंग आपके लिए गिफ्ट है स्कॉलरशिप है और इसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में जाओ अः कॉम्बेट का जो है आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए इसमें एनरोल करने के लिए भी फ्री एनरोल अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड आशीष मलिक आप यूज कर सकते हैं तो देर किस बात की दोस्तों जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल अपने आप को कीजिए और जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ बुक जरूर फॉलो कीजिए आपके लिए मस्ट बाय बुक है टू फिफ्टी और सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही ऑर्डर कीजिए मेरी लेटेस्ट बुक वन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को थैंक यू सो मच कॉडमेस यू ऑल and all the very best for UPSC exam.